हिमाचल प्रदेश में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते जहां प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, तो वहीं बिलासपुर जिला के भी सभी 50 पीएचसी सीएचसी व सीएच में भी नोटिफिकेशन के आधार पर मास्क पहनने को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा कि बिलासपुर जिला में बीते 8-10 दिनों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका नतीजा ये है कि 2 माह पहले बिलासपुर कोविड फ्री जिला था, मगर अब जिला में 308 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 2 लोगों को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में एडमिट किया गया है और अन्य 306 लोग होम आइसोलेट हैं। वहीं डॉक्टर परविंदर ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार जिला के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी व मरीजों सहित तीमारदारों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया गया है, जबकि बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र इलाज है, इसीलिए जिला में रोजाना 50 टीकाकरण केंद्रों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि कोविड के जो सर्ज है, कोविड के केसेज हैं जो एकदम से ज़्यादा बढ़ने लगे हैं पिछले 8-10 दिन से, तो उसको देखते हुए वही प्रिकॉशनरी मेजर दोबारा लेने शुरू किए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल में जाएगा उसको भी मास्क पहनना कंपलसरी होगा, और हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर हों या स्टाफ नर्सेज हों या सफाई कर्मचारी हों या सिक्योरिटी वाले हों, सारे मास्क पहन के रखेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मरीज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं और वहाँ पे पॉजिटिव होने के और लोगों के भी चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए ये कंपलसरी किया गया है। और हमारे ज़िला बिलासपुर में हमारे पास 50 पीएचसी सीएचसी और सीएच हैं, तो सारी जगह हमने कल ही निर्देश डॉक्टर्स को और इंचार्ज जो हॉस्पिटल के उनको भेज दिए थे कि आप ये रूल कंपलसरी कीजिए, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के हॉस्पिटल कैंपस में ना घूमें। और इसको हम निर्देश तो जारी कर दिए हैं, और ये उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इसको इसकी पालना भी कंपलसरी, 18 साल से लेके जो 60 साल के बीच के लोग हैं उनके लिए भी बूस्टर डोज ओपन कर दी है, और बूस्टर डोज लगाने का जो टाइम है वो सेकंड डोज के बाद 60 दिन 6 हफ्ते का कर दिया है। तो अब क्योंकि अब हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इसके लिए हर रोज़ 50 के आसपास सेशन भी कर रहे हैं, जहाँ पे 50 जगह पे वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो मेरा लोगों से ये आग्रह रहेगा कि हर व्यक्ति अपना ये जो भी उसकी बूस्टर डोज ड्यू है वो ज़रूर लगवाएं, क्योंकि हमारे पास कोविड से बचने का एक यही मात्र साधन है। और जब से ये हमने 18 साल से ऊपर वाले लोगों को ये कोविड की बूस्टर डोज लगानी शुरू की है, तब से हमने तकरीबन 25,000 जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ये बूस्टर डोज लगा भी दी है, और उम्मीद है हम बहुत ही जल्दी सितंबर के महीने तक 100% ये टारगेट अपना अचीव कर लेंगे।